नमस्कार, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज लाइव में आप साथ खुशियां ये देखते हैं कुछ खास खबरें। नेपाल में देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप, घर गिरने से 6 की मौत। दिल्ली यूपी समेत 6 देशों में 4 राज्यों में कांपी धरती। पड़ोसी देश नेपाल में मंगलवार देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। झटके भारत के दिल्ली यूपी समेत उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों में महसूस किए गए। लोग दहशत में घर से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सेमोलॉजी के अनुसार नेपाल में भूकंप 9 नवंबर रात 1:45 पर आया। इंस्पेक्टर नेपाल में मणिपुर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था और यहां दोती जिले में घर गिरने से 6 की जान चली गई। पीएम शेर बहादुर डोबा ने दुख जाहिर किया, सेना को तलाशी और बचाव अभियान में जुड़ा लिया। दहेज हत्या के दोषी को 7 साल की सजा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के एक अदालत ने दहेज हत्या का करीब 6 साल पुराना एक मुकदमे में आरोपी को एक व्यक्ति को दोषी करारते हुए 7 साल की कैद सजा सुनाई गई और कोठी भारत थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द गांव में 9 अक्टूबर 2016 को सत्येंद्र नामक व्यक्ति ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अपनी पत्नी प्रीति का गला दबाकर हत्या कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश सुंदरलाल ने दोनों पक्षों को सुनाने के बाद मंगलवार को सत्येंद्र के दोषी करारते हुए 7 साल का कैद की सजा सुनाई। बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में बुजुर्ग ने खाया जहर। मथुरा जिले में वृंदावन निवासी 60 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ पड़ोसी में रहने वाली 8 साल की बच्ची के साथ एक छेड़छाड़ के आरोप में केस दर्ज किया और अपने खिलाफ केस दर्ज होने के बारे में पता चलने पर आरोपी ने जहर खा लिया जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक बांके बिहारी पुलिस चौकी क्षेत्र के एक मोहल्ले का निवासी प्यारे लाल पड़ोसी में रहने वाली 8 साल की बच्ची को बहला फुसला कर अपने घर ले गया। उसने छेड़छाड़ शुरू की तो बच्ची चिल्लाते हुए भागी और परिजनों को घटना के बारे में बताया। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज जियो ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर हाइकू फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है MNS न्यूज पर। नमस्कार।